हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त सुजीत बैंक और आप देख रहे हैं डायनेमिक गेमिंग। आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि 3x3 जो रिव्यूज क्यूब होता है उसको सॉल्व कैसे करें, वो भी आसान तरीके में। और सॉल्व करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि कुछ जानकारी रिव्यूज क्यूब के रिलेटेड। इसमें 6 साइड होता है और 6 कलर भी होते हैं, और मिडिल वाला जो स्क्वायर होता है ये हर टाइम फिक्स रहता है। अब कुछ भी कर लो, मिडिल वाला जो होता है, अगर रेड पकड़ लेते हैं तो रेड कुछ भी कर लो या मिडिल वाला फिक्स रहता है। मिडिल वाला इसका जगह से कहीं पे नहीं हिलता है, ये फिक्स रहता है। और हमने पहले सीखेंगे कि एक साइड कैसे सेम कलर करे, उसके बाद फर्स्ट लेयर लेयर होता है, ये सब फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर हम दूसरा वीडियो में सीखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो आपको एक साइड पूरा सेम कलर करने के लिए कोई भी कलर चूज करना है, तो हम व्हाइट चूज करते हैं और इधर पूरा व्हाइट बनाएंगे। उसके बाद अगर इधर ग्रीन है तो ये दो पूरा ग्रीन, अगर रेड है तो पूरा दो लेयर रेड, और इधर ब्लू है तो ब्लू, और ऑरेंज है तो ऑरेंज। तो चलो पहले ये वाला पोर्शन को व्हाइट कर लेते हैं। इसको व्हाइट करने के लिए आपको व्हाइट का ऑपोजिट में चले जाना है। व्हाइट का ऑपोजिट में क्या होता है, येलो होता है व्हाइट का ऑपोजिट। देखो ऑपोजिट में आपको मार्क करके रखना है, ठीक है। तो व्हाइट का ऑपोजिट में क्या करना है, ये जो चार जो मिडिल स्क्वायर है इधर आपको व्हाइट लाना है। एक तो व्हाइट पहले से ही है, आपको इन तीनों जगह पे व्हाइट लाना है, ठीक है। तो चलो हम व्हाइट लाते हैं। देखो इधर एक व्हाइट है, इसको ऊपर कर दो, इधर भी एक व्हाइट है, देखो व्हाइट है, इधर ऊपर कर दो, व्हाइट हो गया। और एक व्हाइट लाना है, देखो इधर है, ये है, अगर इसको आप इधर घुमा दोगे तो देखो इधर आ गया, इसको मिडिल में लगा, देखो चारों साइड में व्हाइट आ गया। अब क्या करना है, अगर व्हाइट के साइड कलर देखना है, साइड कलर में क्या है, ब्लू है, आपको ब्लू के ऊपर वाला लेयर को पकड़ लेना है और ब्लू पे घुमाना है। देखो ब्लू ब्लू हो गया, इसको 180 घुमाना है, मतलब एक बार दो बार 180 घूम गया। उसके बाद आप दूसरा कलर पकड़ लेते हैं, व्हाइट है, व्हाइट कलर में क्या है, रेड है, साइड में रेड, तो इसको घुमा के रेड पे लाना है और इसको 180 घुमा देना है। व्हाइट है, ऑरेंज है, ऑरेंज लाना है, 180 घुमा देना है। ग्रीन तो ग्रीन के साथ ही है, कुछ करने का जरूरत नहीं है, बस घुमा दो 180, हो गया। उसके बाद येलो के ऑपोजिट में चले आना है आपको। ऑपोजिट में चले आने के बाद आप देखोगे कि प्लस साइन हो गया, आपको ये सब इग्नोर करना है, तीनों कॉर्नर को आपको बस प्लस नोटिस करना है, क्योंकि तीनों का जो अब देख के लगेगा कि सही है, व्हाइट हो गया पूरा, लेकिन इसका पोजीशन भी गलत हो सकते हैं। क्यों हम बताते हैं, देखो इधर ऊपर व्हाइट है, व्हाइट है सही है, लेकिन इधर ग्रीन है, लेकिन इधर तो ग्रीन नहीं है, और इधर रेड है, इधर रेड नहीं है, इधर ब्लू है, मतलब इसका जो पोजीशन है सही नहीं है। एक इधर लगेगा इसका जो ये जो साइड में ग्रीन है और रेड है, देखो ग्रीन है रेड है, मतलब ये वाला जो कॉर्नर बटन है ये इधर आएगा, इसका पोजीशन सही है नहीं, आपको बस प्लस पे फोकस करना है। उसके बाद आपको देखना है, देखो थर्ड लेयर पे कौन सा व्हाइट है, फर्स्ट देखना है कि थर्ड लेयर पे कौन सा व्हाइट है, वो फर्स्ट लेयर थर्ड लेयर पे आपका व्हाइट है, तो इसके साथ कौन सा कलर है, ब्लू है और ऑरेंज है, तो ये किधर जाएगा, ब्लू और ऑरेंज, देखो ऑरेंज है और इस साइड ब्लू है, मतलब ये जो बटन है वो इधर आएगा। तो हम उसको घुमा लेते हैं, देखो ब्लू ऑरेंज और व्हाइट ऊपर जाएगा, मतलब इधर इसका जो पोजीशन है इसका भी सही नहीं है। तो आपको इधर लाने के लिए आपको क्या करना है, ये वाला जो पोर्शन है इसको साइड में लगाना है और इसको नीचे की तरफ लाना है और फिर से लगा देना है, देखो सही हो गया। और अभी ऊपर ला दो, देखो ब्लू ब्लू हो गया, ऑरेंज ऑरेंज हो गया, एक साइड तो हमारा कंप्लीट हो गया। तो देखो बाकी जो और एक, देखो और एक व्हाइट, देखो थर्ड लेयर पे और एक व्हाइट है, इसको इसका पोजीशन कौन सा है, ब्लू है और रेड है, तो आपको देखना है ब्लू है रेड है, मतलब ये जो कॉर्नर बटन है इसको आप इधर ला सकते, इधर लाना है। तो आपको इधर लाने के लिए आप पहले इधर लेके आओ, लेके आगे, इसके बाद क्या करना है, इसको नीचे की तरफ लाना है, पहले इसको साइड में लगा लो और इसको नीचे की तरफ ला दो और इसको फिर से वही जगह पे ला दो, देखो व्हाइट व्हाइट हो गया। अब इसको ऊपर कर दो, देखो ब्लू ब्लू हो गया, रेड रेड हो गया, तो हमारा और कौन सा बाकी, देखो थर्ड लेयर पे और एक व्हाइट है, और एक व्हाइट आ गया, तो इसका पोजीशन कौन सा है, रेड और ग्रीन है, रेड और ग्रीन, रेड ग्रीन मतलब इधर आएगा। तो पहले इसको इधर लाओ, देखो ये किधर जाए, इसको पहले, इसके बाद क्या करना है, इसको साइड में लगा देना है और इसको नीचे लाना है और इसको फिर से इधर ला देना है और इसको ऊपर लगा देना है, देखो ग्रीन ग्रीन हो गया, रेड 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 रेड, ब्लू 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 ब्लू, ऑरेंज 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 और पूरा व्हाइट हो गया। और कभी भी आपका ये भी सिचुएशन आ सकता है कि
जो उधर जो व्हाइट वाला बटन है वो एकदम ऑपोजिट में नीचे की तरफ होगा, वो दूसरे केस में आ जाता है। हम लास्ट में वीडियो ऐड कर देंगे कि उस सिचुएशन में आपको क्या करना है। फिलहाल के लिए ऊपर वाला पोर्शन तो व्हाइट हो गया, ए वाला पोर्शन तो रेड हो गया, ए वाला पोर्शन ग्रीन हो गया, ए वाला पोर्शन ऑरेंज हो गया। लेकिन ये जो साइड का जो बटन है, जो साइड स्क्वायर है, इसका पोजिशन सही नहीं है यार। तो आपको ये क्या करना है, आपको देखना है कि नीचे के साइड में कौन सा येलो छोड़ के है साइड बटन। बस साइड बटन देख ले, येलो छोड़ के देखो, ऑरेंज है और ब्लू है, तो इसका जो पोजीशन है एक इधर लगेगा इधर लगेगा, ऑरेंज है इधर और ब्लू है इधर, मतलब इसका जो पोजीशन सही नहीं है वो इधर का है। तो आपको ऐसे घुमाना है और ऑरेंज के साथ मैच कराना है। उसके बाद देखना है जो ब्लू वाला जो पोर्शन है वो किधर जाएगा, लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा। राइट में तो नहीं जाएगा, राइट में ग्रीन है, मतलब है लेफ्ट में जाएगा। अगर लेफ्ट में जाएगा तो नीचे वाला लेयर को आपको राइट में घुमाना है, और उसके बाद जिधर जाएगा उस साइड का पोर्शन को नीचे की तरफ लाना है, और जो आपने राइट में साइड किया था उसको वापस ला देना है और इसको ऊपर कर देना है। लेकिन देखोगे आप व्हाइट वाला एक जो था इधर से इसका पोजीशन चेंज हो गया, तो आपको पता ही है इस सिचुएशन में क्या करना है। आपको इसको साइड में लगाना है, नीचे गिर लाना है और इसको साइड में लगा देना है। बस देखो इसका जो पोजीशन है सही हो गया, ब्लू हो गया और ऑरेंज हो गया। इसी तरीके से आपको दूसरा भी करना है। दूसरा आप ढूंढ लो किधर है, ये देखो ये जो ग्रीन और ऑरेंज, देखो ग्रीन और ऑरेंज इधर लगेगा, ये वाला जो बटन है इधर आएगा। तो इसको पहले मैच कराना है, ग्रीन ग्रीन मैच कर लिया। इसके बाद ऑरेंज देखना है कौन सा साइड में जाए, राइट में तो नहीं जाएगा, लेफ्ट में जाएगा। इसको लेफ्ट में जाने के लिए आपको इसको राइट में लाना है, और इसको जिधर जाएगा वो वाला पोर्शन को नीचे लाना है, और इसको फिर से वापस इधर ही लाना है, और इसको ऊपर की तरफ ला देना है। देखो इसका पोजीशन चेंज हो गया, इधर आ गया। तो इधर लाने के लिए आपको क्या करना है, लेफ्ट में ले जाओ यार, नीचे लाओ, फिर से लाओ और ऊपर ला दो। देखो इसका पोजीशन भी सही हो गया, ठीक है। और एक बटन देखो इधर, फिर से देखो, रेड है और ग्रीन है, रेड है और ग्रीन है, मतलब ए वाला स्क्वायर इधर आएगा। तो आपको क्या करना है, इसको मैच कराना है। देखो रेड के साथ मैच हो गया, तो ग्रीन लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा, ये लेफ्ट में जाएगा, तो आपको राइट में लाना है। ए वाला पोर्शन को नीचे लाना है, फिर से इधर सेम प्रोसीड्योर है, ऊपर लाना है। और आपको पता ही है अगर ए इधर आ गया तो इधर कैसे लाए, साइड में लगाओ यार, नीचे लाओ, इधर लाओ, ऊपर कर दो। बस देखो रेड ग्रीन हो गया, बस एक ही बचे, वो किधर है, ये देखो ब्लू और रेड जो है वो इधर होगा। तो आपको पहले मैच कराना है। देखो ब्लू रेड के साथ मैच नहीं हो रहा, तो ब्लू पे लाओ, ब्लू ब्लू मैच हो रहा है, रेड किधर जाएगा, लेफ्ट में जाएगा। तो लेफ्ट में जाने के लिए आपको वही सेम प्रोसीड्योर, राइट में लाना है, ये वाला पोर्शन नीचे करना है, इसको इधर लाना है और ऊपर कर देना है। और आपको ये भी पता है कि इसको कैसे फिक्स करें, इसको साइड में लगाओ, नीचे लाओ, ये लाओ और ऊपर ला दो। बस देखो पूरा हमारा जो ऊपर वाला पोर्शन है कंप्लीट हो गया, ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो गया, फर्स्ट लेयर और सेकंड वाला लेयर भी कंप्लीट हो गया, आप देख पा रहे हो। देखो तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि थर्ड लेयर, ये जो लेयर है इसको हम कैसे सॉल्व करें। और अगर वीडियो अच्छा लगा और ऐसा टाइप का वीडियो आपको दूसरा भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो देखो, कभी कभी ये होता है कि कुछ स्पेशल केसेस आ जाते हैं, उसमें एक दो फॉर्मूला लगाना पड़ता है यार। अगर ऐसा टाइप का सिचुएशन आ गया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपका सिचुएशन कैसा है, और कमेंट सेक्शन में और आप फोटो भी सेंड कर सकते हो सोशल मीडिया में, फेसबुक या इंस्टाग्राम है, शुभज्योति मैंग की मेरा नाम है उधर, या आईडी उधर ही है, आप फोटो सेंड कर सकते हो कि आपका प्रॉब्लम क्या है, हम सॉल्यूशन तुरंत दे देंगे। और पहले आप प्रैक्टिस करो ये दो लेयर, फर्स्ट लेयर ऊपर वाला टॉप पोर्शन, फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर। और नेक्स्ट वीडियो में हम सिखाते हैं थर्ड लेयर को कैसे करें, ठीक है। ईजी है भाई, सीखने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बनाने में उतना ज्यादा टाइम नहीं लगा। अब जब एक्सपर्ट हो जाएगा तो हम आप मेरे से भी पहले बना सकते हो, एक दो या तीन में ही लगेगा ज्यादा से ज्यादा। तो चलो यार आज के लिए भाई, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो तो लाइक कर दो, कमेंट्स भी करो यार। अगर कोई भी जगह अगर समझ में नहीं आया तो हम उसी जगह को हम दूसरे बार भी समझा देंगे दूसरे वीडियो में, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ यार, नोटिफिकेशन आ जाएगा सबसे पहले। चलो फिलहाल आज के लिए भाई।